हे गाइस, आप देख रहे हैं मस्त मल्टी अड्डा और मैं हूँ मीनाक्षी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है DIY क्राफ्ट के ऊपर है, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप कितने इजी से आप बना सकते हो। बहुत ही आसान DIY क्राफ्ट है ये और बहुत ही कम बजट में ये बन जाएगा और बहुत ही एलिगेंट लगने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैमलिन का जो कैनवस रोल आता है वो मैंने यूज़ किया गया वाला ले लिया है और फेविकॉल का गम ले रही हूँ जो कि सिंथेटिक रेजिन बेस्ड है, और यहाँ पे ब्रश भी ले रही हूँ जिसकी मदद से मैं गम को अप्लाई कर पाऊँ। और यहाँ पर मैं कुछ सैंड ले रही हूँ, तकरीबन 1 कप या फिर 2 कप आप सैंड ले लें। ध्यान रखें कि सैंड जो है अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए, और जो भी आप कंटेनर हो, जो भी प्लास्टिक बॉटल जिसमें आप बनाना चाहते हो, वो कंटेनर अच्छी तरह साफ़ सुथरा हो, और जो भी अगर डस्ट लगा हो उसको आप अच्छे से पोंछ लें। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं गोल्डन स्प्रे यूज़ करूँगी जो कि एरोसोल स्प्रे है, और जो कि मैं लास्ट में इसको फिनिशिंग टच दूँगी। 400 ml का ही आता है, और इसको स्किप करके आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फेविकॉल जो सिंथेटिक रेजिन बेस्ड है, या फिर नॉर्मल फेविकॉल, कोई भी PVA ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह आप इसको अप्लाई करें और किस तरह सैंड आप इसमें स्टिक करेंगे। तो 1 by 1 स्टेप आप देखते जाइएगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि ज़्यादा पतला लेयर भी ना लगाएं। अब लगाने के बाद मैं यहाँ पर जो सैंड मैंने एक प्लेट में रखा था उसको मैं रोल अप कर दूंगी। दोस्तों ध्यान रहे, कोई एक फ्लैट सरफेस में आप सैंड को अच्छे से फैला के रखें ताकि आपको स्टिक करने के लिए इजी हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है। दोस्तों ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ आपने ग्लू किया है उस जगह में सैंड को अच्छी तरह चिपका लें। रोल करके बहुत ही आसानी से चिपक जाता है, और जो एक्सेस है उसको थोड़ा सा टैप करके आप झाड़ दें उसको, ताकि जो भी आप नेक्स्ट लेयर अगर लगाएं तो उसमें आप ग्लू में सैंड स्टिक ना हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि आधा पार्ट मैं कुछ रंग बिरंगे स्टोन से इसको डेकोरेट करूँगी और आधा पार्ट सैंड से, और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा बाकी है, हाफ कट है, उसको मैं अच्छे से कवर अप कर दूँ सैंड लगा के थोड़ा सा। अब दोस्तों, सैंड मैंने हाफ कवर कर दिया है। अब जो हाफ पार्ट है उसको मैं कुछ रंग बिरंगे यहाँ स्टोन्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्टोन्स आपको एक्वेरियम शॉप में मिल जाएंगे। एक्चुअली मेरा एक एक्वेरियम था, तो क्योंकि मछलियाँ मर गए और
ये जो स्टोन्स था मैंने बचा के रखा हुआ था, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। बहुत ही छोटे छोटे स्टोन्स हैं, आप चाहें तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं अच्छे अच्छे स्टोन्स, जो कलरफुल स्टोन्स है, उसको छांट लूँगी। और यहाँ पर जो सिंथेटिक रेजन ग्लू मैंने लिया है फेविकॉल का, उसको मैं अच्छे से ग्लू कर दूँगी पहले कंटेनर पे, और मैं उस स्टोन्स को उसके ऊपर लगाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि अच्छे से लग जाए। मैंने वैसे ये ट्राई किया नहीं है, फर्स्ट ट्रायल है मेरा ये। अब मैं इसमें एक एक स्टोन्स लगा के इसको डेकोरेट कर देती हूँ। गम में अच्छी तरह पेस्ट करके इसको हल्का सा प्रेस कर दूँगी। दोस्तों जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं दूसरा लेयर सैंड के ऊपर लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं मॉड पॉज का यूज़ कर रही हूँ सेकंड लेयर लगाने के लिए, क्योंकि पहला लेयर अच्छे से सूख चुका है, और मॉड पॉज यूज़ करके मैं उसको अच्छे से फैला दूँगी और दूसरा लेयर जो है सैंड का मैं अगेन लगा लूँगी। दोस्तों मैं जैसे जैसे ये सेकेंड लेयर लगा रही हूँ, जो स्टोन्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं हाफ पार्ट में, वो धीरे धीरे गिरने लगे हैं। आई डोंट थिंक कि ये यूज़फुल रहेगा, सो आई गेस निकाल देना ही बेटर रहेगा। तो दोस्तों मैंने वो स्टोन्स निकाल दिए हैं, और जो
कर्टेन का थ्रेड्स था, तो उसको जब एक्सेस मैंने काटा तो ये मेरे पास बाकी बच गए थे। अब मैं इसको यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं एक ब्रश के मदद से ग्लू करूँगी, जिसके मदद से मैं यहाँ पे जो धागे हैं वो लगा लूँ। दोस्तों यही वो कर्टेन के एंडिंग्स हैं जो मैंने यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं सिंथेटिक रेजिन यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से ग्लू हो जाए।
लगा दूँगी और लगा के ड्राई अप होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। और जो एक्सेस पार्ट है उसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो फाइनल कटिंग है मैं इसको देख ले रही हूँ कि ये इवनली कटा हुआ है या नहीं। दोस्तों अब यहाँ मैं मॉड पॉज को यूज़ करके इसको फाइनल लुक दूंगी, प्राइम कर दूंगी, अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि ये वाटरप्रूफ रहे और एक ग्लॉस सा फिनिश दे फाइनल टच में। याद रहे कि आप जब भी मॉड पॉज यूज़ करें इसमें ऐसे पैटर्न अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जिस पैटर्न में आपका डिज़ाइन बना रहे हैं उसी पैटर्न में आप यूज़ करें। लाइक मैंने वर्टिकल में वर्टिकल साइड ही ब्रश किया है और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल साइड ही ब्रश किया है। दोस्तों ये ड्राई होकर तैयार है, बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहा है। तो होप आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे ये क्राफ्ट आपको लगा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।